नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। ये है नेपाल सीरीज का सेकंड एपिसोड। अकरा शहर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह, और इन सब जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमने 500 नेपाली रुपीज़ यानी कि 310 इंडियन रुपीज़ में ये टूर बस हायर की है। और हम अपने को ट्रैवलर के साथ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे ये बस निकली और शाम को 5 बजे हमें वापस ड्रॉप करेगी। और ये है हमारे गाइड। इंस्ट्रक्शन तो आप सबने सुननी होगी। और ये है वो जगह जहाँ पर ये बसें जा करती हैं। यहाँ से आप सीढ़ियाँ क्लाइम करके पहुँचेंगे विंध्यवासिनी मंदिर। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये विंध्यवासिनी मंदिर है। ये पहला स्टॉप है टूरिस्ट हमारे टूर पैकेज का। 30 मिनट का टाइम हमें यहाँ दिया गया इसको देखने के लिए। और आप मंदिर जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे तो टाइम लगेगा, 30 मिनट सफिशेंट है। 10:50 पे वापस पहुँचना है, लेकिन क्योंकि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रहा हूँ तो मैंने तो ऑलमोस्ट सब जगह घूम करके देख ली है। आई कैन गो बैक एनी टाइम। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी पीक है। अब ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है, पर है शानदार। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। आपको अगर वो बादलों के बीच में बर्फ़ से ढकी हुई चोटी दिख रही है, बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ से, बहुत ऊँची है। अभी अभी गाइड से पूछा, उससे पीछे नज़र आ रही है, ये फिश टेल कहलाती है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिश टेल क्यों कहते हैं इसको, शायद फिश टेल जैसी दिखती हो, मुझे नहीं दिखी इसमें कहीं भी फिश टेल। ऑलमोस्ट अलबत्ता मुझे तो पूरी फिश नज़र आती है अगर मैं ध्यान से देखूँ। ये बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है। ये जो पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है, ये यहाँ से लेकर के वो ऊपर तक है। इतनी खूबसूरत पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक, ये सब शायद नेपाल के हिस्से में ही आया। और ये अच्छी बात है, नेपाल डिजर्व करता है इन चीज़ों को। मिलेगी है ना, सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद अपने राइट साइड पे एक सुरंग जैसी जगह मिलेगी। रुको ना, मेरा टाइम स्टार्ट नहीं बोला है। ओके, जिसको अतार होती है उसको अतार होने बात जो है पूरा समझ के जाना चाहिए। और उसके अंदर जाके एक हॉल मिलेगा, हॉल के ऊपर में चमगादड़ देख के फोटो शोटो खींचना है तो खींच के तुरंत उसी रास्ते से रिटर्न आना है। और 25 मिनट का समय जो एग्जिट प्लेस है वो थोड़ा डेंजरस और खतरा टाइप का, इसलिए ट्राई मत करिए। जैसे कि गाइड ने बताया था कि एग्जिट जहाँ पर है वो डेंजरस हो सकता है, तो सभी लोग उस डेंजरस रास्ते को छोड़कर यहाँ से एंटर कर रहे हैं। इसलिए ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है इस वक्त, तो थोड़ा सा हॉल्ट है, वेट करेंगे आप कंजेशन फ्री होने का, और उसके बाद आप जाएंगे बैट केव देखने के लिए। यहाँ पर टॉर्च आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मैं अंधेरे की वजह से बैट आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ओपन सेट करने के लिए मैं ये डेंजरस एग्जिट वाला रूट ले रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि एग्जिट कितना खतरनाक है यहाँ पर। इस छोटे से रास्ते से होकर बाहर निकलना है, लिटरली आप क्रॉल करके बाहर निकलते हैं और खुद को बाहर खींचना पड़ता है। घुटनों के बल निकलना पड़ेगा, बिल्कुल घुटनों के क्रॉल करो। बेगारी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बैट्स केव जाने के बाद? क्या 3 लाइनों में बोल सकती हूँ? एडवेंचरस, वंडरफुल, गुड एक्सपीरियंस। अब हम पहुँच चुके हैं महिंद्रा केव। तो इसलिए यहाँ भी उतना ही रहेगा, 25 मिनट का
स्टेट ही आना है और आते समय भी दस ही यहाँ हम एंटर करने वाले, इसका नाम महिंद्रा केव है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है सिंगल टिकट का सिस्टम है। महिंद्रा जो यहाँ के राजा है उन्होंने इस केव का उद्घाटन किया तो इसलिए इसका नाम हुआ महिंद्रा केव। ये टिकट काउंटर है और ऊपर से केव का नामो निशान नहीं है, ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल गार्डन के अंदर आप घूम रहे हो। ये है महिंद्रा केव के लिए। ये वाला जो है गुफा थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, लाइट का अरेंजमेंट है यहाँ पर। ये विश्व स्तूपाज हैं जो लोग बनाते हैं और तोड़ते हैं। बनाने का जो टाइम है कि जब भी आप कोई विश रखेंगे आप उसको बनाएंगे और जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप कोई एक स्तूपा जो आपने स्टोन से बनाया था उसको आके गिरा देते हैं। इसके एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ लिखा है एग्जिट धर्म द्वार, और एक रास्ता यहाँ से डाइवर्ट ले रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। काफ़ी बड़ा जगह है, काफ़ी खुली ढुली सी गुफा बनी हुई है। यहाँ पे शिव जी महाराज का शिवलिंग है और उसी तरह यहाँ पर ये है गुफा के अंदर का। उसके आगे भी कुछ है लेकिन उसको बंद कर दिया गया, यहाँ से लोग पहले बाहर जाए रहते थे। ये रास्ता दिखता है लीजिए। अब मैं यहाँ से, वहाँ से हम लोग आए थे उस तरफ से और राइट टर्न करके हम गए थे अंदर, और ये है यहाँ से एग्जिट करने के लिए लिखा। बिलीव मी ये थोड़ा सा ही आसान है बैट केव से निकलने के, पता नहीं क्यों हर जगह एग्जिट के रास्ते ऐसे क्यों बनाए जाते हैं। थोड़ा ही बड़ा होगा बैट केव के एग्जिट से, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और जिस वहाँ से मैं एंट्री ली उस तरफ से ये राउंड मार के इस पत्थर के अंदर से वहाँ और फिर यहाँ से बाहर निकल। ऐसी गेम मैंने हिमाचल में नहीं देखी है, उत्तराखंड में भी नहीं देखी। इस वक्त ये बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस गाना, कंचारे कंचारे प्रीत मेरी सांझ न जावे अब दिल तोड़ के। का है दूध गंगा या फिर सिद्ध रिवर, इसके पानी का रंग दूध के जैसा है इसलिए नाम इसे दिया गया। इसका जो कलर सफ़ेद है ये यहाँ पहाड़ों पर पाए जाने वाले मिनरल्स की वजह से है, इसे सिद्ध रिवर गॉर्ज भी कहा जाता है। पानी बहता हुआ जा रहा है और कलर से वाइट कलर, तो सोर्स आ कहाँ से रहा है जहाँ का रहा है कुछ नहीं पता। सेती रिवर का टिकट 50 रुपये का है, 5 मिनट का। हाँ गुड रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट। अभी हम लोग हैं 6 डेस्टिनेशन पे टूर पैकेज की, जिसका नाम है बिगनास ताल या बिगनास लेक लोग इसको कहते हैं। यहाँ बोटिंग है मेन एक्टिविटी, आप आइए बोटिंग करिए। बोटिंग का जो रेट है वो 500 रुपये पर बोट से शुरू होता है। अगर आपके पास एक ग्रुप है 5-6 लोगों का तो विद ड्राइवर आपको छोटी बोट 500 रुपये में मिलती है, इसमें 3 या 4 लोग आप आसानी से बोटिंग कर सकते हैं। थोड़ा शहर से बाहर है, 1 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। ऐसा ही कुछ मैंने उत्तराखंड में देखा था नौकुचिया ताल के नाम से, नौकुचिया मतलब 9 कॉर्नर्स थे उस ताल के, कुछ वैसे व्यू देता है, चारों तरफ बड़े पहाड़ और बीच में लेक, वैसे ही कुछ याद दिलाती है। उतनी ही बड़ी है, वैसे ही पहाड़ों के बीच में है और वैसे ही लोग बोटिंग का यहाँ मज़ा ले रहे हैं। 500 रुपये से बोटिंग शुरू है तो ठीक है, इंडिया के 310 रुपये बनते हैं। जब शहर के बीचों बीच आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देख पाना अलग सी बात है। काफ़ी खुला है रास्ता,
हमने स्टेयर्स पर लाने हैं। और ये दोनों तरफ मार्केट है, चलती हुई रोड है और उसके बीच में कोई गुफा है। बस सोच के देखिए कैसा लगता है। ये गुड़ लगा करके दूसरी के दर्शन को अलग किया है और कहीं ना कहीं शहर के बीचों बीच इस तरह का स्ट्रक्चर ये फैसिनेटिंग है। ये झुक करके आपके यहाँ से निकलेंगे। अभी हम जा रहे हैं देवीस फॉल के लिए, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर या गुफा हमने अभी देखा। तो ये है पाताले छोंगो इन बंगाल नेपाली लैंग्वेज एंड देवीस फॉल इन इंग्लिश। सो लेट्स गो एंड सी। देखिए अलग ही दुनिया निकले, मेन रोड से हटी है, दूसरी जगह पहुँचिए, अलग ही लोग अलग दुनिया। अच्छा 30 रुपये का टिकट है होल के लिए। जगह पे हम अभी खड़े हैं जिसको पाताले छंगो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत 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 बड़ा वाटरफॉल हो जाता है जब बारिश का सीजन हो। लंबाई 500 मीटर गहराई 100 फिट और जल का प्रवाह इसमें लगातार बना रहता है, ये कभी सूखता नहीं है। वाटर का लेवल कम या ज़्यादा ज़रूर होता है। इसको ग्रिल से या बैरिकेड इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें जंप लगा दिया और उनकी डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी निकाली गई इस जगह से। डेविस फॉल से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन नंबर 8 है शांति स्तूपा पोखरा में। पोखरा शांति स्तूपा बुद्धिस्ट पगोडा स्टाइल के टेंपल पर बनाया गया है। यहाँ से आपको हिमालयन रेंज देखने का और पोखरा सिटी का बड़ा क्लियर व्यू दिखेगा। पोखरा सिटी से ये सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फेवा लेक या लेक साइड। आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आप अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। ये फ्रेश वाटर लेक है पोखरा वैली रीजन में और इसके जो नॉर्थ साइड का बैंक है उसे कहा जाता है लेक साइड। ये सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली जगह है पोखरा या नेपाल में। इसके सेंटर में एक आइलैंड है जिसके ऊपर एक मंदिर बना है, वहाँ पर लोग बोट लेकर के जाते हैं। अलग अलग तरह के रेट है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रेट कार्ड पर देखे। यहाँ पर एक खास तरह की बोट आपको देखने को मिलेंगी, दो छोटी बोट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा करके उसे बड़ा बनाया गया है ताकि ज़्यादा टूरिस्ट को विजिटर्स को आप एक साथ सैर पर लेकर जा सकें। ये खास तरह की बोट आपको सिर्फ नेपाल में ही देखने को मिलेगी। ये एक खूबसूरत जगह है। डेस्टिनेशन नंबर 10 है सारंगकोट। 10 किलोमीटर दूर पोखरा सिटी से आप पहुंच जाएंगे सारंगकोट। ये लोकेटेड है माउंटेन रेंज पर 1600 मीटर्स की हाइट पर और ये जाना जाता है अन्नपूर्णा और मानसालू माउंटेन रेंज के खूबसूरत दृश्यों के लिए। पिछले कुछ टाइम में पैराग्लाइडिंग का हॉटस्पॉट है सारंगकोट, तो जब आप जाएं और पैराग्लाइडिंग करना चाहें तो सारंगकोट जरूर विजिट करिएगा। यहाँ से फिश टेल का व्यू देखना मत भूलिएगा।
तो इस तरह से हमारी बस की ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुई, हम पहुँच चुके हैं वापस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मैं आपको पोखरा की माउंटेन रेंज के बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली बार।